फाइनली आ चुके हैं जूनियर एनटीआर की देवरा के कौन एपिसोड में वापिस। तो भाई आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 2 चल रहा है एंड सैटरडे है। सबसे पहले गाइस गुड न्यूज है आपके लिए, भाई हिंदी में हमें अच्छा ऐसा आज के दिन भाई जंप है वो देखने को मिलेगा, ग्रोथ है गाइस वो देखने को मिल रही है। एंड कंपैरिजन यस्टरडे टू टुडे, आज भाई हिंदी में ज़्यादा टिकटें वो बिक रही हैं, भाई ये अच्छी न्यूज़ है देवरा के लिए एंड एनटीआर के फैंस के लिए। देखो भाई अगर हिंदी में पिक्चर चल गई, देखो तेलुगु वर्जन तो गिरेगा, अभी ये फ्राइडे है आज ड्रॉप होगा, संडे चलो फिर भी थोड़ा अच्छा हमें होल्ड देखने को मिल सकता है, वर्किंग डेज में थोड़ा मतलब ड्रॉप जाएगा वो लाइक 10-12 दिन का खेल है, गिर जाएगा नंबर। आगे कौन संभालेगा मेरे भाई हिंदी कलेक्शन, आप देखोगे काल की हिंदी सलार हिंदी मतलब वो आगे निकल चुका था कंपैरिजन टू तेलुगु वर्जन आने वाले मतलब 8-10 डेज के आसपास। तो यहाँ पे जब हमें देखने को मिल रहा है भाई ये गुड न्यूज़ है। एंड हिंदी मैंने यस्टरडे को कहा था भाई ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है एंड वर्ड ऑफ माउथ भाई अच्छा गया है, रिव्यू मेरे भाई अच्छे निकल के सामने आए हैं एंड यही एक रीज़न है कि आज के दिन हमें हिंदी में मेरे भाई जंप है वो देखने को मिल रहा है। पहले दिन की बात करें 7.95 CR भाई नेट कलेक्शन किया हिंदी, 7.95 करोड़, नियरली 8 करोड़ मेरे भाई नेट कमाई की है। एंड एडवांस भाई कितना कम था भाई, नहीं लग रहा था कि यार 8 करोड़ के आसपास नेट कमाई आ सकती है। इवन यहाँ पे बात करें ट्रेन ने पहले कन्फर्म कर दिया था 5-6 करोड़ के आसपास नेट आने वाला है। अरे भाई ये सडनली हमें जंप है गाइस वो देखने को मिला। कल नाइट के शोज अच्छे गए, क्या रीज़न है भाई रिव्यू अच्छे निकल के सामने आए। मैंने तब भी कहा था भाई अगर रिव्यू अच्छे निकल के सामने नहीं आए, 5-6 रिव्यू अच्छे निकल के सामने आए तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा भाई जंप है वो देखने को मिलेगा। एंड इंडिया ग्रॉस जाएगा कहीं ना कहीं 9.38 CR ओनली फॉर हिंदी लैंग्वेज की बात करें। एंड यस्ट भाई मैंने अभी देखा भाई यस्ट मैं एपिसोड अभी बनाने वाला था एंड मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्टर छाप दिया भाई 172 करोड़ भाई 172 करोड़ का वर्ल्ड वाइड मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्टर छापा है। मैं शॉकिंग यार ये सब कैसे हो गया भाई, हम तो 140 करोड़ के आसपास बात कर रहे थे। हाँ अभी मैं दोपहर के 12 बजे के आसपास एपिसोड बनाता शायद 150 CR के आसपास भी बता देता, क्योंकि सम जो ऑफलाइन शोज थे कई सारे ऐसे प्लेसेस भी होते हैं भाई उनकी रिपोर्ट नहीं मिली, स्पेशल फॉर ओपनिंग डे की बात करें एंड इंक्लूडिंग हायर्स तो 150-155 CR के आसपास, बट यहाँ पे 172 करोड़ का भाई ऑफिशियली पोस्टर आया है। देखो गाइस मैं ये नंबर अभी ब्रेक करने वाला हूँ, अभी नहीं नेक्स्ट एपिसोड में, कि अभी मेरे पास सम लोकेशन की रिपोर्ट नहीं आई है मतलब कि ओवरसीज की साथ में भाई डोमेस्टिक की, तो क्या इतना क्रशन किया है या फिर नहीं आप मेरे भाई वेट करो। सबसे पहले हमारे पास जो इस्टीमेट था मैंने सुबह भाई नोट करके रखा हुआ था एंड एपिसोड भाई कब अपलोड करें बस वेट ही कर रहे थे, अभी जाके मेरे भाई टाइम है वो मिला है। निज़ाम 19.32 CR शीरा कलेक्शन आया, बट ये अभी एक एस्टिमेट है ठीक। एंड अगर इतना आया तो भाई एक नया इतिहास है, एक नया रिकॉर्ड है, वो क्या है नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे जब ये ब्रेक इवन है गाइस वो करेंगे। एंड विशाखा 5.47 CR शेयर भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग, गंतूर 6.27 CR हर एक प्लेस में भाई, एपी तेलंगाना में कालकी को ओवरटेक किया मेरे भाई, सलार को ओवरटेक किया है एंड मात्र यही दो ऐसे प्रोजेक्ट थे, बाहुबली को आप छोड़ दो मतलब कि आरआर को ये पिक्चर मेरे भाई टक्कर दे रही है तेलुगु स्टेट में। बाहुबली ये मतलब यहाँ पे बिफोर कोविड वो टाइम था उसको फिलहाल आप छोड़ो, एज ऑफ नाउ देखो मेरे भाई सिचुएशन क्या चल रही है। एंड नीलोर 2.11 CR शेयर, नेक्स्ट कृष्णा 3.02 CR, ईस्ट 4.03 CR, वेस्ट 3.60 CR, केडी 10.41 CR के आसपास मेरे भाई बिजनेस आया है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। केडी की बात करें अब तक की डबल डिजिट प्लस शेयर देने वाली मात्र ये अभी सेकंड पिक्चर है, नंबर वन RR, सेकंड मेरे भाई यही है RR, ओ सॉरी क्या बोल रहे भाई देवरा। एंड NTR मात्र ऐसे एक एक्टर है जिन्होंने कैडिट में डबल डिजिट प्लस 2 फिल्में दी हैं एंड अब तक की बात करें केवल 2 ही फिल्में हैं जिन्होंने कैडिट के अंदर डबल डिजिट प्लस मेरे भाई शेयर कलेक्शन है वो दिया है। नया रिकॉर्ड नया इतिहास भाई मैन ऑफ मासेस जूनियर NTR के नाम, यंग टाइगर ने भाई अपना स्टार्डम है एज ऑफ नाउ गाइस यहाँ पे तेलुगु स्टेट में भाई दिखा दी है। जस्ट इमेजिन जब बंदा वार 2 करेगा एंड जब वार 2 आफ्टर NTR के साथ नील वाला प्रोजेक्ट आएगा भाई वो क्या कमाई करे, उस टाइम पे उनका हिंदी में अलग स्टार्डम होगा एंड तेलुगु स्टेट में हमें दिख ही रहा है भाई बंदा फाड़ देगा यार, उस दिन बंदा फाड़ देगा, RR का रिकॉर्ड ये खुद भाई तोड़ देगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं ये बात भाई मेरी याद रखना, उस टाइम पे हिंदी में भी इनको अच्छी भाई ओपनिंग है वो मिलेगी। नील वाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वार 2 को आप छोड़ दो ऋतिक आएगा वो तो अच्छी कलेक्शन आ ही जाएगा। एंड नेक्स्ट भाई कर्नूल की बात करें, हाँ एपी तेलंगाना टोटल ऑफ 54 CR प्लस मेरे भाई शेयर कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, 54 CR प्लस शेयर कलेक्शन, हम अभी सम हायर्स हैं वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं
रिकॉर्ड ब्रेकिंग है भाई, काल की सराज ऐसी पिक्चर को भाई ओवरटेक करके दिखाया है। ये अपने आप में मेरे भाई बड़ी उपलब्धि है, एज अ नो एस्टिमेट है। बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या फाइनल नंबर है वो निकल के सामने आया। कन्नूर सिटी की बात करें, आरआर यहां पे 1.23 सीआर की कमाई की थी, देवरा ने 1.09 सीआर की कमाई की है, सुपर्ब। एंड यामी कन्नूर आरआर 29.30 लाख एंड 21.16 लाख मेरे भाई यहां पे देवरा ने कमाई की है। आरआर एंड देवरा के नंबर बता रहे हैं ओनली फॉर अडोनी आर आर 45.26 एंड 35.89 लाख यहाँ पे देवरा ने कमाई की है भाई, सुपर कलेक्शन। निज़ाम की बात करें भाई, जब एनटीआर सोलो आए थे 2018 की बात है, तब उनकी पिक्चर अरविंदा निज़ाम क्लोजिंग बिजनेस था ऑलमोस्ट 22 सीआर के आसपास शेयर, यहाँ पे देख लो अभी ओपनिंग नियरली 20 सीआर। आज के टाइम वो बंदा ओपनिंग दे रहा है जो लास्ट टाइम इन्होंने लाइफ टाइम क्लोजिंग नंबर था भाई निज़ाम के अंदर। ये है भाई बंदे का एज अ नो आज के टाइम मेरे भाई स्टार्टअप, काहे पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। करीम नगर की बात करें तो सलार ने 59 लाख कलेक्शन किया था ओपनिंग डे, आर आर 57.61, जो कि कालकी की बात करें 56 लाख, देवरा 41 लाख, अच्छी कमाई की है। एंड गाजू की बात करें तो कालकी 71.40, देवरा 65.26, सलार 50.26 लाख। एंड इलूरू सिटी की बात करें, आर आर 68.97 लाख, देवरा 67.84 लाख, सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग। नेक्स्ट यहां पे कालकी है 66.34, नेक्स्ट बाहुबली 2 है 66.22 लाख। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाई कलेक्शन है वो की है, एंड ये बेनिफिशियल होता है। एक तो प्राइस हाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिला, अर्ली मॉर्निंग शोज रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिले, एंड मिड नाइट शोज भाई एपी एंड तेलंगाना क्यों ना भाई, ये भी काफ़ी टाइम के बाद भाई यहाँ पे नाइट शोज मिले। और ये एक रीज़न है कि देख लो भाई नंबर क्या निकल के सामने आ रहा है, ओवरऑल सुपर मेरे भाई। अरे अब तक की बात करें भाई डे नंबर 2 में हमें भाई अच्छा खासा ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू डे नंबर 1। अब तक की बात करें 12 बजे तक एपी तेलंगाना लगभग 3.72 सीआर मेरे भाई कलेक्शन अब हो चुका है, ओवरऑल 52% ऑक्युपेंसी आ रही है। एंड कल सेम टाइमिंग 12 बजे तक तेलुगु स्टेट में 18.56 सीआर भाई कलेक्शन था, सिर्फ ऑनलाइन ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में इससे थोड़ा हाई होगा बट ऑनलाइन नंबर गिर रहा है, इसका मतलब कि भाई ओवरऑल भी नंबर है वो अच्छा खासा ड्रॉप है वो होने वाला है। निज़ाम 1.80 सीआर, कल था सेम टाइमिंग 10.35 सीआर। आंध्र प्रदेश 1.91 अभी 12 बजे तक, कल था भाई सेम टाइमिंग 8.22 सीआर। भाई यूज हमें तेलुगु स्टेट में ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है अभी दोपहर के 12 बजे तक। कर्नाटका कल सेम टाइमिंग 12 बजे तक 80 लाख था, आज की बात कर रहे हैं भाई 80 लाख हो चुका है 26% ऑक्युपेंसी, कल था सेम टाइमिंग 4.13 सीआर, अच्छा खासा ड्रॉप है। तमिलनाडु 35 लाख हो चुका है 27% ऑक्युपेंसी के साथ, कल था भाई सेम टाइमिंग 44 लाख, या तमिलनाडु में भाई अच्छा होल्ड है वो देखने को मिल रहा है। एंड यही नंबर है भाई अब तक की बात करें। हिंदी की बात करें भाई हमें जंप देखने को मिल रहा है 10 करोड़ के आसपास आज के दिन नेट कलेक्शन है गाइस वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है डबल डिजिट के आसपास। एंड ये कहीं ना कहीं अपने वीकेंड में 30 करोड़ के आसपास नेट कमाई है मेरे भाई करते हुए दिखाई दे रही है 30 सीआर के आसपास। एंड ये अपना फर्स्ट वीक हिंदी में भाई ब्रेक इवन है वो करने वाली है। और हाँ हमारा भाई नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, याद रखना।